किशनगढ़ के मुख्य चौराहे पर एक जनरल स्टोर में अल सुबह भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास की दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। आग की सूचना पर मौके पर पहुंचे 5 दमकलों ने 30 बार फेरे लगा लगाकर बामुश्किल आग पर काबू पाया। आग से दुकान में रखा करीब 1.5 करोड़ का परचुनी का सामान जलकर राख हो गया। किशनगढ़ के मुख्य चौराहे पर स्थित भोजरा सिंधी के जनरल स्टोर में सुबह करीब 6 बजे अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आग की सूचना फोन पर दमकल विभाग को देनी चाहिए, लेकिन दमकल विभाग फोन बंद कर नींद ले रहा था। कुछ लोगों ने दमकल विभाग पहुंचकर दमकल कर्मचारियों को उठाया। इसके बाद दमकल कर्मचारी 1 घंटे बाद मौके पर पहुंचे। तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास की दुकानें भी इसकी चपेट में आ गई और जलकर राख हो गई। मौके पर उपखंड अधिकारी अशोक कुमार जाट सहित 3 थानों का पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। आग बढ़ती देख अजमेर से भी दमकल की 5 गाड़ियां बुलवाई गई। 30 बार 10 दमकलों ने चक्कर लगा लगाकर 5 घंटे बाद आग पर काबू पाया। आग से दुकान में रखे करीब 1.5 करोड़ का परचुनी सामान जल गया। वहीं पास की मोबाइल की दुकान में रखे लाखों रुपए के मोबाइल जलकर राख हो गए। आग किन कारणों से लगी इसकी जांच के लिए मौके पर पहुंचे एफएसएल की टीम ने मौके से नमूने लेकर पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं मदनगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अग्निकांड की जांच शुरू करी है। किशनगढ़ में एक सुबह मोबाइल की दुकान के अंदर आग लग गई थी। अभी तक तो प्रथम दृष्टया का कारण शॉर्ट सर्किट होना ही बताया जा रहा है, लेकिन उसकी जांच के लिए हमने एफएसएल टीम बुलवा ली थी और कोई जान माल का नुकसान, मतलब जान का नुकसान नहीं हुआ, माल का नुकसान जरूर हुआ और किसी प्रकार के अभी तक कोई रिपोर्ट दी नहीं गई है। हाँ, उसका काफी मोबाइल का सामान जल गया है तो उसका आकलन कर रहे हैं, वो अभी दुकानदार बता देंगे। जेलन हॉस्पिटल के नजदीक शुक्रवार दोपहर चलते ही काइनेटिक स्कूटी में अचानक आग लग गई। स्कूटी सवार ने किसी तरह कूद कर अपनी जान बचाई। मौके पर तुरंत ही फायर ब्रिगेड भी पहुंची, लेकिन आग पर काबू पाया जाता तब तक स्कूटी जलकर स्वाह हो चुकी थी। स्कूटी मालिक सोनू गढ़वाल के अनुसार उसने कल ही स्कूटी में बैटरी लगवाई थी। जेलन हॉस्पिटल मार्ग पर दोपहर लगभग 3 बजे अचानक चलती स्कूटी में आग लग गई। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही स्कूटी को विकराल आग ने घेर लिया। घटनास्थल के पास ही फायर ब्रिगेड का ऑफिस होने के चलते दमकल भी तुरंत ही मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक आग इतनी बढ़ चुकी थी कि स्कूटी जलकर स्वाह हो गई। स्कूटी मालिक सोनू गढ़वाल के अनुसार उसने कल ही स्कूटी में नई बैटरी डलवाई थी। उसका मानना है कि यह घटना उसी नई बैटरी के खराबी के चलते हुई है। मामला कुछ ही नहीं था, मैं मेरे बच्चों को लेके जा रहा था, बच्चे को घर पे छोड़ के फॉर्म लेने गया था। फॉर्म लेके यहाँ से आया, चलती चलती गाड़ी में नीचे से आग लगी थी। नीचे झुक के देखा तो पूरी गाड़ी ने आग पकड़ ली थी। देखा था आग लगते हुए? आग लगते मैंने देखा था। फिर क्या, मैंने गाड़ी हुई पटक दी, फिर फोन करवाया पुलिस चौकी से, फिर वो आए भाई ब्रिगेड। ये काइनेटिक है भैया। हाँ, चलती गाड़ी में कल बैटरी इसके लगवा, कल सर्विस पे देकर आया हूँ यहाँ। इन्होंने निकाली अपने महेंद्र वाला है ना, अपने केसवाज चौकी के पास में उन्होंने बैटरी निकाल के सर्विस के लिए रख ली थी और अभी आया तो ऐसे हो गया, वैसे हो गया। मैं जेलन के पीछे रहता हूँ। आईपीएस चूनाराम के निर्देशन में प्रशिक्षु आईपीएस तेजस्विनी गौतम के साथ तैनात जाब्ते में कांस्टेबल रामनिवास, लीलाराम पुखराज, चालक भरत सिंह आदि ने भजनगंज में एक मकान के बाहर चबूतरे पर सार्वजनिक रूप से जुआ खेलते हुए 4 जुआरियों को 1,780 रुपए की नकदी और ताशपत्ती सहित गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए जुआरियों में भजनगंज निवासी किशोर कोहली, सब्जी मंडी वाली गली रामगंज निवासी ब्रिजेश पंजाबी, पाल बिछड़ा निवासी गौरव जैन और झूलेलाल चौक आशागंज निवासी वासुदेव सिंधी को गिरफ्तार कर 13 आरपीजीओ के तहत आरोप पंजीकृत किया गया है। एसपी सर के आदेशों के अनुसार हम पालना कर रहे थे और चूनाराम जी जो सीओ साउथ हैं अजमेर के, उनके निर्देशानुसार मैं और मेरी टीम जिसमें रामनिवास कांस्टेबल, लीलाराम कांस्टेबल, पुखराज और भरत सिंह जो थे, हमको मुखबिर से सूचना मिली कि भजनगंज में किशोर के मकान के बाहर चबूतरे पर 4 व्यक्ति जो हैं वो जुआ खेल रहे हैं। तो 10 बजे के आसपास हम वहां पहुंचे और हमने इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया जो कि किशोर, विक्की, गौरव जैन और वासुदेव हैं। इनके खिलाफ फिर 13 आरपीजीओ में मुकदमा दर्ज किया गया और इनके पास से 1,780 रुपए बरामद हुए और कार्ड्स और बाकी जुए का सामान था वो बरामद हुआ।